गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि भी शाम को रिजल्ट आने वाला है, खदरी साहब से भी बात हो गया था और कंफर्म हो गया था कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आज आने वाला है। और साथ में मेरे ये कुछ स्टूडेंट हैं, राम राम साथियों, जय हिंद जय हिंद, ये है रौनक, ये है और ये सारे के सारे वो स्टूडेंट हैं जो पूरी रात वेट करते रहे कि रिजल्ट कब आएगा। और फाइनली सबसे अच्छी बात यह है, इनका भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, इनका भी रौनक 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 का भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। आप भी सभी को बधाई। कुशाल का भी हो गया है और अनिल का भी हो गया है, तो सारे के सारे दोस्तों का। मोहन सर को हम स्पेशल थैंक यू करना चाहते हैं, ये पूरी रात से हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो जो पल पल की अपडेट होती थी यहाँ से सर बार बार फोन कर रहे थे, अपने जो भी जानकार थे उनसे उनके साथ भी बातचीत लगातार कर रहे थे। और अभी देख सकते हो आप, टाइम 2 बज गए हैं, सर की आंखों में कोई नींद नहीं है, बोल रहे थे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो बच्चा आप बाकी बच्चों का जिनका भी फाइनली सिलेक्शन हो गया वो भी कमेंट करके बताए कि इनका हुआ है। और आपको बहुत बहुत बधाई, और आज का दिन आपके लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के दिन ही इन हरियाणा पुलिस वाले बच्चों ने एक महा आंदोलन की शुरुआत की थी, एक शुरुआत करी थी और जिसका ऐलान किया था कि भी 22 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार, HSSC कमीशन नींद से जागा और उसने रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया। तो ये बच्चा एकता की ही जीत है, और आगे भी अगर आप लोग ऐसे ही यूनिटी दिखाओगे, ऐसे ही अगर आगे बढ़ोगे तो आपको आपके अधिकार मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपके अधिकार ना मिले। तो आज देखिएगा ये चेहरे जो हरियाणा पुलिस में आपको कहीं ना कहीं ये मिलेंगे ये। और हम तो ये कहेंगे कि देखो, जो साथी ये बोल देते थे कि सरकार नहीं झुकती, आयोग नहीं झुकता, अपने तरीके से काम करता है, एकता अगर स्टूडेंट में हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये देखना अगर हम ये 3-4 महीने से ये देखते कि एक प्रोटेस्ट से 2 प्रोटेस्ट से हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी आवाज नहीं जा रही, तो हम कभी भी काम नहीं कर पाते। और आज देख सकते हो आपकी हमारी सबकी मेहनत रंग ला रही है। और सभी साथियों को मेरे एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और उनके माता पिता जो भी साथी सिलेक्ट हुए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपके होनहार बेटा बेटियों ने ये यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। और आप सभी को एक बार पुनः बधाई। तो मेरी तरफ से भी यही संबोधन रहेगा जो दीपक ने कही है, बात यही है, अगर आपका मनोबल ऊंचा होगा तो आप पहाड़ भी तोड़ सकते हो। यही है कि आज हम लड़े हैं, हमने कमीशन को झुकाया है, सरकार को झुकाया है, कोर्ट से पहले हम रिजल्ट निकाल के लेके आए हैं। ये हमारे प्रदर्शन की, ये हमारे मेहनत का फल है आज, जो हमने आज पा लिया है। सभी बच्चे यहाँ बैठे, सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आज हमने मुहिम छेड़ी थी, सबने देखा भी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, आज हम विजयी हुए हैं। तो आप सभी को भी बधाई, और सबसे बड़ा सपोर्ट है कृष्ण सर का, आज भी हमारे साथ इतनी रात को 2:30 बजे हमारे साथ बैठे हैं। तो आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। और दोस्तों, मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, मेरा भी सिलेक्शन हो गया, उम्मीद करता हूँ आपका सभी का सिलेक्शन हो। और आखिरी में कृष्ण मोहन सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारा इन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़े रहे, धन्यवाद। बहुत बहुत बेहतरीन सर, बहुत बहुत। तो बच्चा, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो अपना रोल नंबर के साथ में अपना बताए कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आज के लिए इतना ही है, सुबह मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।